वेलकम माय यूट्यूब चैनल संगीता फैशन। देखिए आज मैं आपको बताऊंगी कि स्लीव में गोल्डन वर्क कैसे डालते हैं, जो वर्क करना भी बताऊंगी और सिलाई इसमें कैसे ली जाती है वो आपको बहुत सुंदर स्लीव बना के बताऊंगी। आप वीडियो को पूरा देखिए। देखिए मैंने अस्तर की कटिंग कर दी है, अभी मैं ये कपड़े की कटिंग करूंगी। ये देखिए अभी इन दोनों को मैंने फैब्रिक भी काट लिए हैं और अस्तर भी काट लिया है, अभी इनको साइड में रख दूंगी। अभी देखिए स्केल की सहायता से मैं इसमें लाइनिंग दूंगी, आपको जैसा पैटर्न चाहिए उस हिसाब से लाइनिंग देना है। तो मैं पहले एक लाइन खींच दीजिए, फिर देखिए आपको यहाँ पे एक एक इंच या आधा आधा इंच की सहायता से निशान कर दीजिए दोनों तरफ। ऊपर की साइड में भी एक एक इंच का निशान करके निशान कर दीजिए। अभी देखिए स्केल की सहायता से आपको तिरछी तिरछी निशान से निशान मिलाना है। पहला निशान यहाँ से मिल जाएगा, फिर ऑटोमेटिक तिरछा हो जाएगा सब निशान। लाइन खींच देनी है। देखिए निशान हो गया है, मैंने दोनों तरफ दो इंच मार्जिन का छोड़ दिया है, इधर लाइन नहीं खींचनी है। अभी मैं इसके साथ में खाली अटैच कर दूंगी डायरेक्ट चारों बाजू सिलाई लगा के। देखिए इसको आप लस्सी भी बोलेंगे, एंकर धागा भी बोलते हैं, जरी वाला धागा भी बोलते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो आप इस धागे को पहले देखिए, ये सिलाई लगाते हैं तो लाइनिंग वाला कपड़ा ऊपर दिखना चाहिए। अगर आपके पास अस्तर वाला कपड़ा नहीं है, आपको सादे पीस का बनाना है, तो भी उस आस्तीन के नीचे आपको अस्तर डालना ही है, या फिर उसी कपड़े को डबल करके डालिए। फिर देखिए ये अपना जो रील होता है बॉबिन केस का, जो उसमें धीरे धीरे हाथ से आराम से भरेंगे, ज़्यादा लूज नहीं भरना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं, इस टाइप से उसको हाथ से भर देंगे। मैंने धागा भर दिया है। अभी आप देखिए ऊपर धागे ऊपर जो आप धागा डालेंगे वो आपको ब्लैक कलर डालना है। आपका जैसे ब्लाउज कोई भी कलर का हो, आस्तीन पे करो चाहे ब्लाउज पे करो, तो अगर रेड हो तो ऊपर रेड डालो, ब्लैक है तो ब्लैक डालो, जो भी कलर है वो डालो, और नीचे अपना गोल्डन डाल दिया। ये देखिए मैंने जैसे अपने धागे को रोज़ डालते हैं उसी टाइप से डाल के उसको हल्का सा खींच के चेक कर देंगे और मशीन में डाल देंगे। अभी देखिए नीचे से धागा ऊपर लाएंगे, जो नॉर्मली सब धागा लाते हैं वैसे ही लाएंगे। और ये देखिए जो मशीन का ये भाग है उसको लूज़ नहीं रखना है, उसको टाइट रखेंगे, पूरा टाइट से थोड़ा सा लूज़। ये धागा चेक कीजिए कि टाइट खींचना चाहिए। अभी देखिए जो मैंने ये लाइन की है, ये सेंटर वाली लाइन नहीं, तिरछी लाइन, इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये टाइट होने की वजह से धागा टूटे नहीं, ज़्यादा फास्ट मशीन नहीं चलाए, हल्की हल्की चलाए। दूसरी लाइन पे भी ऐसे करके सब लाइनों में सिलाई लगाएंगे। ये सेंटर में जो लाइन खींची थी जो मैंने, उसके बाजू में आधा इंच छोड़ के यहाँ से देखिए ये मैं एक और यहाँ से ऊपर तक लूँगी और इसको सुई को अंदर कपड़े में डाल के ये इसी के बाजू में वापस इस लाइन के थोड़ा इधर ये ले लूँगी। आप देखिए आपको सही नहीं बैठा तो पहले रफ कपड़े पे थोड़ा सा सिलाई करके देखिए। अभी देखिए अपनी स्लीव में पूरा गोल्डन धागे का स्लीव हो गया है, बहुत सुंदर डिज़ाइन बन गई है। अगर आपकी साड़ी बहुत अच्छी हो और ब्लाउज अगर प्लेन हो तो आप आस्तीन पे ऐसा वर्क करके पहन सकते हो, चाहे जैसे डिजाइन चाहे आप स्क्वायर कर सकते हो, चौरस कर सकते हो, या लाइनिंग सीधी लाइन कर सकते हो, आपकी जैसे इच्छा हो वैसा डिज़ाइन डाल सकते हो। अगर आपको नज़दीक देनी है तो आप इनके बीच बीच में एक एक सिलाई और दीजिए। देखिए आपको मैं सिलाई दे के बताती हूँ कितनी सुंदर लगेगी ये और बाजू में। ये मैंने नज़दीक कर दी है तो और भी सुंदर लग रही है। ये लस्सी आपको एक लस्सी में आपकी दो स्लीव बन जाएगी, और बैक साइड में गले में भी आपका राउंड शेप या हो तो उसमें भी आप कर सकते हो,
तो आराम से ये मार्केट में मिलते हैं, 3 से 5 रुपए के बीच में, बहुत सस्ती है और सस्ता पड़ जाता है। यही आप कपड़ा लेने जाओ मार्केट में वर्क वाला तो बहुत महंगा मिलता है। तो आप घर पे बनाइए, वीडियो देख के बनाइए, अच्छे से बनाइए। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले। नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।